तो भैया लोग अभी भी दतून तोड़ रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं जैसे कि बनाया था मार्सली के ऊपर एक ब्लॉग वीडियो, मार्सली पहाड़ के ऊपर एक ब्लॉग वीडियो बनाया था, तो उसी के मैंने चैप्टर टू लाने की बात बोली थी आखिरी में, तो उसी की ये चैप्टर टू है, जो कि ये जंगल की सीन है, जंगल में हम लोग जो घूमे थे उसकी। और वो आप जो देखे थे पहले वो पहाड़ की सिर्फ थी, ये जंगल वाली सीन भी बहुत ही अच्छी अच्छी है, जो कि मैं अभी शॉर्ट क्लिप पे दिखा रहा हूँ अभी यही। तो क्या करें, आप स्टार्ट करते थे ये वीडियो, तो चलो देखते हैं अभी हम लोग का जंगल वाली सीन पूरी मार्सली पहाड़ की कैसी है। और गाइस, अगर अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखी है तो जाकर देख लो, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो, ठीक है? उसके बाद ही ये वीडियो देखना तो आप लोग और मज़ा आएगा, डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो बस चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, लेट्स गो। अभी हम लोग फाइनली जंगल के बीचों बीच एक नदी के बीच में पहुंच गए हैं, नदी के बीच में नहीं मतलब नदी के पास पहुंच चुके हैं। और ये नदी का ये वाला सीन हम लोग को बहुत ही पसंद आया, देख सकते हैं यार क्या ही मतलब गजब लग रहा है देखने में, हमको बहुत अच्छा लगा देखने में। और इधर बगले में इधर इस साइड गाँव है ऊपर साइड, तो हम उधर कैमरा नहीं कर रहे हैं, काहे कि पब्लिक लोग देख रहा है तो थोड़ा सा लाजो लग रहा है, अब कहाँ बोले। तो फाइनली गाइस, हम लोग को एक फल मिल गया है जिसको भेलवा बोलते हैं। आप इसको खाते हैं कि दिखाते हैं आपको, इससे नहीं पता है। तो देख लीजिए ये फल ही है, देखो ना पूरा पीला वाला दिखा रहे, और करिया वाला भी देख लो आप लोग लिए, फ्री है देखने के लिए, एकदम फ्री। थोड़ा कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा खराब है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बाकी सब बढ़िया है। देख लीजिए पैर भी, और हम लोग का देखिए, अरे भैया चढ़ रहे, भैया पेड़े को उल्टा देंगे हमको तो लग रहा है, पर पेड़ में भी बहुत जान सह लेंगे बोल रहा है, कोई बात नहीं। तो फल ई है देखिए, और इसका से अभी थोड़ा मोटा तेल निकलेगा, पर हम निकाल के नहीं दिखाएंगे, काहे कि इसका तेल अगर कहीं पे लग जाएगा तो बहुत ही बुरा घाव होता है, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा और देखने में भी बहुत बुरा दिखता है। तो इस फल को अगर आप खाना चाहते हैं तो एकदम अच्छे से इसके बारे जान लें, उसके बाद खाएं। हम लोग साथ पृष्टि भैया है तो हम लोग को बताएंगे, तब हम लोग खाएंगे फल, खाने के लिए आप लोग को खाएंगे कैसे ये भी दिखाएंगे। तो गाइस, ये भिलवा का अगर आप लोग को लासा लग जाएगा, मतलब इसका थोड़ा सा अभी तेल अगर आपको यहाँ पे लग जाता है तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसकी दवा मेरे भैया जानते हैं, बृष्टि भैया बताएंगे अभी। तो सुनिए आप लोग ध्यान से, बृष्टि भैया बता रहे हैं, बताइए। इसको इसमें पानी डाल के जहाँ जो ये फूल भी हो जाता है ना, इसका छाया भी लग जाता है, इसका चीज़ को लेके ना पानी में हल्का डाल के दिया को उसके शरीर में जहाँ हुआ है उस जगह पे लगा देने से ठीक हो जाएगा। और ये चीज ये है देखिए, जो यही पेड़ में होता है, जो भेलवा का पेड़ है, इसी का जो यहाँ दिया है देखिए, यहाँ दिया जो खा जाता है इस पेड़ का लकड़ी का, उस मिट्टी को ले जाना है आपको, ठीक है? ये मिट्टी को ऐसे तोड़ के आपको ले जाना है घर, और इसको बढ़िया से पानी में मिला के जहाँ पे आपको हो गया है, जहाँ पे आपको दिक्कत है भेलवा वाला दिक्कत, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे लगा देंगे तो आपको एकदम बढ़िया सा इलाज मिल जाएगा, डॉक्टर का खर्चा से बच जाइएगा, और एकदम बढ़िया आपका तबीयत भी हो जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं आगे कोई और ऐसा चीज मिलता है तो आप लोगों को बताते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे मोर का पंख मिला है, जो कि बृष्टि भैया पकड़े हुए हैं।
यहाँ मोर भी है जंगल में, हम लोग को पता चल रहा है। ये मोर का पंख है, इसको बकुली का पंख मत बोल दीजिएगा ना। मेरा बैग कहाँ? बैग कॉपी में डाली है। ये महक नहीं आएगा भाई, मोर का पंख है। तो हम लोग और आगे चलते हैं, अब वो और कुछ मिलेगा तो। अगर हम लोग खरगोश उरगोश मिलेगा ना अभी, तो कुकुर जैसा कूदाएंगे हम लोग, देखिएगा ना आप लोग, दिखाएंगे पूरा वीडियो आपको। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया खाई जैसा सीन है, पर खाई है नहीं, ठीक है। यहाँ से गिरने के बाद मारेंगे तो नहीं, पर मरने से कम नहीं हो जाएंगे, ठीक है। कहीं से पानी नहीं आता है यहाँ, देखो ना पूरा मस्त। अरे थोड़ा सामने से जाके दिखाते हैं आप लोग को, तो आप लोग यहाँ पे देख, ये सीन नहीं देख रहे तो आप लोग मेरा ब्लॉग का मतलब ही नहीं है। चलो 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 चलो, अब पूरी वीडियो में आपको मेरी थोड़ा नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं अपनी फेस रिवील अभी नहीं करने वाला हूँ। मैं गेमिंग यूट्यूबर हूँ, तो गेमिंग यूट्यूबर अभी फेस रिवील नहीं करेगा। ब्लॉग तो मैं ऐसे ही आज बना दे रहा हूँ, मन नहीं था तो भी। देख सकते यार कितनी हार्ड, वाओ। ठीक है, मोबाइल थोड़ा सा बंद कर देते दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा रिक्सी है, अभी यहाँ पे से गिर जाएंगे ना, तो फोन नहीं बंद करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग एकदम चुपचाप से देखिए, अभी लोग को पता नहीं चलने देंगे। थोड़ा सा रिक्स लेना ही पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग वीडियो बनना है ना, थोड़ा सा रिकॉर्ड बनने के लिए। ये लोग बंद करने बोला है पर नहीं किया, ठीक है। देख कि तुझे मन में इमोशन जागे, चले तू नॉर्मल फिर भी स्लो मोशन लागे। देख कि तुझे मन में इमोशन जागे, चले तू नॉर्मल। पूरा मोगली वाला फील आ रहा है हमको आज तो। तो यार क्या ही सीन है, ऊपर से हम लोग कितने ऊपर से उतरे आप लोग देखे ही थे, तब नीचे देखिए क्या ही मस्त वाला सीन है। इधर अगर आप पिकनिक नहीं बनाने आते हैं तो शाम तक आप गायब हो जाएंगे, ये हम गारंटी देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे से पानी इधर नहीं जा रही है, पर उधर से पानी आ रही है। ये कैसे हो रहा है आप हमको भी नहीं पता है, तो आप लोग को नहीं बताएंगे इसके बारे। ओ शायद इसके अंदर से पानी आ रही है, तो मुझे लगता है इसके अंदर सांप का डर है, तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, अपने कदम को यहीं से पीछे लेते हैं। यहाँ पूजा होता है। अबे बे बे बे, पूजा नहीं होता है, कुछ चीज को फंसाने के लिए बनाया है। देखो धान खाने के लिए आएगा, आइडेंटिटी टूटेगा, और देखो ये ऊपर आगे धान दिया हुआ है, कुछ चीज को फंसाने के लिए दिया गया है। इतना को पत्थर में खरगोश नहीं फंसेगा, कुछ और ही फंसेगा। ये चिड़िया वाला है, बोला तो जाए।
नीचे गड्ढा होगा शायद, गड्ढा होगा इसको, ये जो है ना वो अगर टंगा जाएगा ना तो ये बंद हो जाएगा और गिर जाएगा और उसका तो कचुंबर बन जाएगा। चलो तो ये बहुत ही खतरनाक वाला भी देखे, तो अभी हम स्ट्रगल का काम कर रहे हैं तो अभी हमको भी चढ़ना है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, फोन को कह डाले अभी पूरा बंद रहेगा। चलो चलो चलो, बहुत हेवी मोटर बनाया है जो भी है। तुझे मन में इमोशन जागे, चले तू नॉर्मल फिर भी स्लो मोशन लागे, देख के तुझे मन में इमोशन जागे। तो देखते हैं हम इसको कैसे हम लोग चिड़िया फंसाएगा, तो चिड़िया फंसता कैसे उस चीज को हम देखने के लिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं डंटा से, तो देख सकते हैं अभी। तो देखिए गाइस अभी कैसे हुआ, इसे हम रिप्ले में एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए रिप्ले में एक बार। ओ भाई भयानक, गजब का हुआ यार। कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल वाला काम हो गया, हम इतना भी स्ट्रगल नहीं सोचे थे, कुछ ज्यादा ही हो गया सच बता रहे। सब को चढ़ने देते हैं फिर हम पीछे पीछे जाते हैं, बहुत डर लग रहा है अंदर से सच बता रहे, मेरा जान अभी धक 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 कर रहा है। सबको यहाँ से भाग रहा है किस तरह से, देखिए हमको छोड़ के, यही होता है हम लोग का दोस्त। तो हम लोग स्ट्रगल से निकल चुके हैं, तो अभी के लिए वीडियो थोड़ा सा काट जे कहां पे झूला फरक सब तो के काले जे भागिसला तो इनी मानिसला हिने बोलावना हुने तो जाइसला फूल नियत रूप से हेले चमक चलिस का। थोड़ा सा देखिए भी आश्चर्य वाला बात है, चट्टान का बीच से पानी निकल रहा है, ये आपको लगा ना थोड़ा सा, वही बात ऊपर में भी शंख कुंड के बारे में बताए थे, तो ये पानी घुस रहा है अभी, देखिए इधर से घुस रहा है पानी, ये पानी घुस के उधर चट्टान के बीच बीच से निकल रहा है।